आज छठ का शाम को पूरा व्यवस्था वाला एकदम मस्त होगा। उसके बाद अभी घर में आए और मम्मी इधर प्रसादी बना रही है, तो चलिए मम्मी को देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। और पता ही है ना, बड़ा मेहनत वाला पर्व होता है छठ पर्व, बिहार के लिए तो हमारे खास है। आइए मम्मी से कुछ खास बातचीत हम लोग करते हैं। डूइंग में व्यवस्था कर रही है मम्मी, प्रसादी का सब नारियल उरियल सब डाल उल के और क्या क्या डाली इसमें है, एक में काट दिए, दो वैरायटी बना रहे हैं। जो चूल्हा पे बनेगा इसे व्यवस्था ना मम्मी, क्योंकि चूल्हा पे बनता है लकड़ी कोई के पे ईंधन का उपयोग में यही किया जाता है शुद्ध। इससे आम का लकड़ी क्यों उपयोग करते हैं ये बताइए। परंपरा है क्यों है इसके पीछे, जानती है वैज्ञानिक कारण? वैज्ञानिक कारण नहीं जानते हैं, लेकिन जानिए देखिए वैज्ञानिक कारण इसलिए है ना, छठ करते हैं तो आम का लकड़ी से करते हैं, जैसे दुनिया चल रहा है हम भी चलेंगे। नहीं, हिंदू धर्म जितना भी है सब उसका वैज्ञानिक महत्व है, बहुत लोग को इसके बारे में नहीं मालूम है। सर्च करेंगे तब ना हिंदू महत्व, उसको समझो सूर्य देव का अर्घ देना है तो देना, ये सब एक वैज्ञानिक महत्व है। लौका भात क्यों खाया जाता है? क्योंकि बॉडी प्यूरिफाई करता है उससे लौका। अगर रोज का दुखा होगा तो तुमको कैंसर जीवन में कभी नहीं होगा। चलिए अपना कार्य पे व्यवस्था करिए, फिर आपसे हम लोग मिलते हैं थोड़े देर में। अभी हम लोग जा रहे हैं, कल तो हम लोग घाट बनाए भी किए थे और पता ही है, अभी हम लोग आ गए हैं। अब थोड़ा घाट वाट का अच्छे से एकदम लिपा पोती करके मस्त बना दिया जाएगा, क्योंकि शाम को पता ही आपको बहुत सारा भीड़ आने वाला है और आज तो मेन है, तो काफ़ी बढ़िया कुछ दिखना चाहिए कि नहीं, तो इसीलिए हम लोग आ गए। अब जा रहे हैं नदी में, यह जो तालाब है गांव का, इसी में अब पानी वानी लाएंगे। इसको गाय का गोबर उबर होता है उससे एकदम बढ़िया कर देंगे, एकदम पवित्र हो जाता है। गाय का गोबर एकदम शुद्ध होता है, पता है ना, उस एकदम पवित्र चीज़ होता है। उससे गांव में अभी भी जाएंगे तो संस्कार है, कोई भी चीज़ पवित्र काम होता है चाहे कोई शुभ काम होता है तो उसके लिए पहले गाय के गोबर से उसको लिपा पोता जाता है, उसके बाद बढ़िया से किया जाता है, उसके बाद जाके होता है। तो अभी देख सकते हैं इधर हम जा रहे हैं, तो करते हैं हम लोग अपना कार्य। तो वीडियो में लाइक कर दीजिएगा यार, और आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए अब तो शाम को मेन मिलेंगे ही, अभी थोड़ा ये घाट को हम लोग सफाई वफाई कर दें। मम्मी दादी और एक अभी आजी हैं, ये अपना लोग व्यवस्था कर रही हैं ठेकुआ गुआ बनाने में, अपना क्या कर सकते हैं देख रहे हैं। मेन छठ का प्रसादी जो होता है ना वही रहता है, और इसको आपको मतलब आम का लकड़ी गोइठा ये सब जो होता है ना ये सब से बनाया जाता है इधर गांव में। अब तो सब शहर में भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो बहुत लोग को इतना व्यवस्था नहीं मिल पाता होगा, लेकिन देख रहे हैं बन रहा है ना, वो भी शुद्ध देसी घी में छन रहा है। देख इसका सुगंध भी एक आनंद आता है, पूरा घर में एकदम घी घी गमक रहा है धांसू वाला। अब इधर सना रहा है, मतलब काफ़ी व्यवस्था तगड़ा वाला हो रहा है, और उधर भी बन रहा है लकड़ी उकड़ी का, देख रहे व्यवस्था व्यवस्था है सब बन रहा है ना। शाम को जल्दी आपसे मिलेंगे हम लोग घाट पे, आनंद आएगा। और क्योंकि आज जो है ना मेन है, और आज के दिन शाम को और कल के दो सुबह में, तो 3-4 बजे से ही हम लोग सुबह में निकल जाएंगे, तो इस दिन मेन रहता है ना। वीडियो में बने रहेगा और छठ पूजा में आनंद आएगा। बिहार का महापर्व होता है भाई छठ पूजा, 3 दिन तक लगातार चलता है, बहुत सारा कार्य करना रहता है। जैसे से आए हैं तैसे से हम बिजी हैं, मतलब थोड़ा बहुत भी हम लोग एक होता है ना, जब से हम मतलब निकले हैं वहाँ से 4 तारीख को, उस दिन से मतलब हम लगातार ट्रेवल है ट्रेवल इधर उधर, मतलब अच्छे से मतलब बैठे चाहे सोए नहीं हैं हम, और चलेंगे अब शाम को भी अब यहीं रहेंगे, फिर उसके बाद हमको निकलना है अगले दिन सुबह में, जब सुबह होगा सुबह वाला जब अर्घ उर्घ होता है उसके बाद हमको भी निकलना है, तो देखते क्या होता है, तो बने रहिएगा मेरे साथ और छठ पूजा का ये आनंद लेते रहिएगा वीडियो में, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मज़ा आते रहेगा आपको। देखते रहिए मिश्रा जी ब्लॉग, फिर एक वीडियो में आपसे मिलेंगे तुरंत।